आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। याद दिलाना चाहिए कि आपका विवाह उस संस्कार में हुआ था जहां पर किसी भी प्रकार की बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 17 वैवाहिक जोड़ों को परिवार सूत्र में बांधा गया। सभी वैवाहिक जोड़ों को घर गृहस्थी का पर्याप्त सामान देकर भीगे पंखों के साथ विदा किया गया। इस वैवाहिक यज्ञ में साधु संतों के अलावा पर्यटन सीलन ऐसी राजेश शुक्ला बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र मिश्र शास्त्री ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि गरीब असहाय और निर्धन व्यक्ति की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से दरिद्र नारायण की सेवा करता है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। नर सेवा ही वास्तव में नारायण सेवा चला जाता है। इस तरह के यह संस्कार बहुत आसान नहीं है। हमारे मंच की गरिमा हमारे जन प्रतिनिधियों ने अपनी वो भागीदारी और निभा रहे हैं कि उनको हर उस कार्यक्रम में अपने पूरे क्षेत्र को लेकर के आए हैं और वहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक और आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा, यह वो मंच है, आध्यात्म का वो मंच है जहां राजनीति का चोला जमीन के नीचे छोड़ करके लोग आते हैं और गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ते हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस भी है, तो समाजवादी पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है और पता नहीं कितनी राजनीतिक पार्टियों के साथ सारे समाजों के हस्ताक्षर और उनके अध्यक्ष समाजों के यहाँ मौजूद है। ऐसी स्थितियों में ये संगम नहीं तो क्या है, ये महाकुंभ नहीं तो क्या है? यह महाकुंभ आज हरिद्वार से चल के स्वयं आपकी धरती पर आया है। बस मर्यादा आपकी नौ जोड़ों को नहीं होगी। सब लोगों को मन ही मन में कसम खानी होगी, लड़की को भी कन्या को भी कसम खानी होगी और वर को भी कसम खानी होगी कि जहां से उनका विवाह हुआ है वह स्थान वहां पर संतों के यहां से हुआ है तो उन्हें संत पर जीवन जीवन होगा। एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना होगा, उनको एक दूसरे के साथ मिलकर के समाज में वो आदर्श स्थापित करना होगा कि ये किसी सामूहिक पंडाल में होने वाला विवाह नहीं है, ये किसी विवाह घर में होने वाला पंडाल नहीं है, ये आपका भी घर है, आपका वो पंडाल है, आपका वो स्थान है जहाँ देवता वास करते हैं, जहाँ पर लोग दर्शन करने और समस्याओं के निदान के लिए आते हैं, वहाँ पर आपका विवाह माना जा रहा है। और अभी एक जानकारी और हुई और वो ये कि श्रृंगारी जी महाराज महाकालेश्वर जी की आज्ञा से वहाँ से यहाँ पर पधारे, हरिद्वार से सीधे चल के आए हैं पांच संतों को लेकर के केवल आपको आशीर्वाद देने के लिए। जोरदार तालियां बजाएं और ये बजाएं कि वहाँ की हरिद्वार का जल और रज चल करके बुंदेलखंड आया है और आपको आशीर्वाद दे रहा है आपका स्थान। और जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया वो बैठ जाए, जब बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बैठ जाइए आपको, क्योंकि अब क्रम चला रहा है, पता नहीं किस में आपके पुत्र को आपकी पुत्री को यहाँ पर आशीर्वाद का क्रम आ जाए। और ऐसे में अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। यहाँ की महिलाएं बैठी हुई हैं, उस तरफ के हमारे पुरुष भाई बैठे हुए हैं, पीछे के लोग कुछ खड़े हैं, कृपया बैठ जाए। भोजन की व्यवस्था घराती और बरातियों के लिए उन्हीं के कैंपस में है और बाकी जो है सबके लिए भंडारा, अखंड भंडारा चल रहा है। माँ अन्नपूर्णा में जाकर के आपको प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अंकल पायदान की ओर जो आशीर्वाद से है, आशीर्वाद क्रम के बाद अब इसमें देखिए, अगर हम अनुभव करें तो इसमें सतयुग की शक्ति का स्थान और प्रादुर्भाव है। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, यानी कि हमारा वह है द्वापर है,
देवता की रामायण मेरे सामने रखा हुआ है और स्वर्ण सोने और चांदी के आभूषण रखे हुए हैं, थाली में रखे हुए हैं, एक आसन भी है ताकि आप जीवन को एक आसन के रूप में लें, आप ध्यान करें, आप मनन करें, आप साधना करें, आप आगे बढ़ें और परमार्थ के कार्यों में जुड़ जाएं और ये दिखाएं कि जिन जोड़ों का विवाह है श्री बागेश्वर धाम की धरती पर होता है वो जोड़े होते कैसे हैं। ये एक बड़ी बात आप सारे नए जोड़ों के लिए, नए बच्चे और बच्चियों के लिए है कि आपको संकल्प ये लेना है कि आपके हाथ में मर्यादा है इस स्थान की, आपको अपने आत्मा से सिद्ध करना होगा कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आकर के माथा टेक के अपनी समस्याओं का निराकरण करता है आपने वहाँ पर एक दूसरे का हाथ थामा है तो आपके आचरण को पूरे देश में देखा जाए, समझा जाए और आप आने वाले समय में आदरणीय बन जाएं, अनुकरणीय बन जाएं, लोग देखें और आपका अनुसरण करें। इस तरह का ये आशीर्वाद समारोह जहाँ पर सारे राजनीतिक नेता, सारे बड़े लोग, सारे करोड़पति लोग, अरब खरबपति लोग, शक्तिशाली लोग, अधिकारी लोग, जितने भी वर्ग हैं सब बैठ कर के एक साथ आकर के अपनी पूरी शारीरिक प्रतिष्ठा को छोड़ करके आए और यहाँ पर बैठ करके पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद हुए। जीवन के हर मोड़ पर समझौते से चलने का नाम ही पवित्र संकल्प है, ऐसा हमारे एक भाई ने मुझे लिख करके दिया। उनके विचारों का सम्मान और एक शेर मुझे याद आता है कि मैंने स्वयं ही एक बार लिखा था और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था मुझे। उस दो लाइनों को अगर आप सुनेंगे और आप ग्रहण करेंगे तो आपको आनंद आएगा। वो दो लाइनें हैं, लोगों को अमीरों से दान मिले होंगे, लोगों को अमीरों से दान मिले होंगे, हमने तो फकीरों से वरदान पाए हैं, हमने तो फकीरों से वरदान पाए हैं। जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें, आशीर्वाद करें बच्चों का। इन फकीरों का वरदान जीवन को समाप्त होता है, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। आपको देख के आश्चर्य हो रहा होगा जिन पीठाधीश्वर जी के सामने सारे लोग खड़े रहते हैं, आज उनके सामने जिन नव विवाहित जोड़े बैठे हुए हैं और वो खड़े हुए हैं, वो चल के आए हैं उनको सम्मान देने के लिए, वो चल के आए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। मर्यादाओं का पालन अब आपको करना होगा, आपको वो आचरण करने होंगे कि ये सम्मान का बोझ आप उठा पाए। लड़की के आचरण से कभी भी ससुराल पक्ष को शिकायत ना हो और लड़के के आचरण से कभी उसके ससुराल पक्ष को शिकायत ना हो, इस बात का संकल्प लेकर के जाएं आप लोग, तभी आप